हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम हिमांशु है। मैं आप ही की तरह एक सिंपल सा बंदा जो जॉब के साथ साथ ट्रैवल करता है। तो अभी मैं फिलहाल अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स और नेक्स्ट ईयर ट्रैवल का प्लान कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ टिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। और अगर आप लोग भी कुछ अपने नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं ट्रैवल का, या नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। सो इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि कैसे आप अपनी फ्लाइट्स की टिकट्स को सस्ते से सस्ते में बुक कर सकते हैं। 9 वेज टू बुक अ चीप फ्लाइट। सो गाइस, जो पहला पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस साइट पे जाना है जहाँ से आप टिकट बुक कराते हो। फॉर एग्जांपल, हम मेक माई ट्रिप से करा रहे हैं, तो मेक माई ट्रिप में साइट में जाके आपको तुरंत क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपने माउस से, और यहाँ पे इंस्पेक्ट करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इस साइट की सारी कुकीज़ और लोकल स्टोरेज डिलीट कर देनी होगी। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे इस साइट ने जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी रखी होगी कि आपने पास्ट में क्या क्या जगहें सर्च करी हैं जाने के लिए, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी और आपको इस साइट पे जो रिजल्ट होगा वो एक फ्रेश प्राइस लिस्ट के साथ आएगा। तो ये एक तरीका है आप कुकीज़ वगैरह डिलीट करके। दूसरा तरीका होता है कि आप इसी से डायरेक्टली क्या करो, इस साइट को अपनी इनकॉग्निटो मोड में खोल लो। इनकॉग्निटो मोड खोलने के लिए आपको, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आएगा न्यू इनकॉग्निटो मोड, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको एक अलग सी स्क्रीन खुलती है जहाँ पर आप इस तरह से ये साइट खोल के आपको फिर कुकीज़ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुकीज़ डिलीट करने का प्रोसेस दोस्तों हर साइट में सेम होता है। जैसे मैं आपको एक और साइट एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे मैंने एक दूसरी साइट खोली है एग्जांपल के लिए, तो अगर आप इस साइट पर जाते हो, साइट का नाम है mountainwheeler.in, तो जैसे आप इस साइट में जाते हो तो आपको दोबारा वही प्रोसेस करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट आएगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है और आपको वो सेम स्क्रीन दिख जाएगी और ये एप्लीकेशन का ऑप्शन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। सो दूसरे तरीके में दोस्तों 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि आपको क्या करना है, जब भी कोई आप फ्लाइट बुक करते हो तो आपको वो ऑड डेज में बुक करनी है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे जो ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, सैटरडे है, ये बहुत ही ऑड डेज होते हैं। इसमें लोग काफ़ी कम बिजी होते हैं, काफ़ी कम ट्रैवल करते हैं। और जो दूसरा पार्ट है कि आप एक काम और कर सकते हो, जैसे कि हमारी स्काई स्कैनर साइट है वो पूरी डेज का जो है फेयर एक साथ दिखा देती है, तो आप फेयर को डेज के अकॉर्डिंग ही, फेयर एंड डेज के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल कर सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ अपने केस में, मैं उस पूरे मंथ का फेयर देख लेता हूँ और उसमें देखता हूँ कि कब टिकट सबसे सस्ता पड़ रहा है, उसके हिसाब से ही ट्रैवल करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अभी देखोगे हम दिल्ली से लद्दाख का देख रहे हैं लेह का, और यहाँ पर आप जैसे कि देखेंगे कि कहीं पर 2000 का टिकट दिखा रहा है, कहीं पर 3000 का टिकट दिखा रहा है। ऑब्वियसली मैं तब बुक करूंगा जब इसका टिकट मिनिमम प्राइस पे रहेगा। सो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। हमें कभी भी किसी एक पर्टिकुलर साइट पे रिलाई नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, हम लोग सोचते हैं कि यार एयर एशिया से हमेशा फ्लाई करते हैं तो हम एयर एशिया से ही साइट से ही बुक करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको किसी भी कंपैरिजन साइट पे जाना है और उसके बाद प्राइस देखना है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली से केरला साइट की टिकट के लिए देख रहा हूँ, तो आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे गो एयर है और इंडिया गो है और एयर इंडिया है, इन सब के अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी के 5000 हैं और किसी के 7000, तो इसीलिए आप कंपैरिजन करके टिकट में अपना अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट ये बोलता है कि जब भी हम टिकट्स बुक करा रहे हों तो अब हमें हमेशा कंट्री चेंज करके और लैंग्वेज चेंज करके भी टिकट बुक करा के देख लेनी चाहिए कितने की पड़ रही है। ये सिनेरियो ज़्यादातर तब सही रहता है जब अगर आप किसी और दूसरी कंट्री में हो और अगर आप कोई भी टिकट बुक करा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मलेशिया में हो और मलेशिया से आपको वापसी रिटर्न की टिकट बुक करानी है, तो आपको क्या कर सकते हो, आप कंट्री चेंज करो एक बार और लैंग्वेज चेंज करो एक बार, क्योंकि आप जब दूसरी कंट्री में होते हो तो वहाँ की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपकी लग जाती है, तो उसको चेंज करके इंग्लिश कर दीजिए या हिंदी कर दीजिए या फिर कंट्री चेंज करके इंडिया कर दीजिए, उसके बाद देखिए कि प्राइस में क्या इंपैक्ट आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई साइट है उसकी .in साइट, जैसे makemytrip.in अगर साइट है, तो जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो .com हो जाती है, तो आप उसको .in करके देख सकते हैं कि प्राइस में क्या डिफरेंस आ रहा है। कभी कई बार ऐसा होता है किसी दूसरी कंट्री के लिए प्राइस कुछ और रखती है एयरलाइंस और किसी दूसरी कंट्री के लिए कुछ और, तो इस तरह से आप अपने फेयर में कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट है दोस्तों इसी पॉइंट का, वो यह है कि आप अपनी लोकेशन चेंज करके भी ये काम कर सकते हैं एक जगह पर बैठे बैठे। उसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक VPN इंस्टॉल करना पड़ता है अपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे। तो मैं अपने मोबाइल पे अब हमेशा एक VPN रखता हूँ और कभी कभी मैं उसे एक्टिवेट रखता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फ्री VPN है, मैंने काफ़ी टाइम पहले इंस्टॉल किया था, अभी मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो आप जब भी कोई फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो या आपको चाहिए कि आपको प्राइवेसी चाहिए, आप तो इस VPN को यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो साइटें होती हैं उनको आपकी करंट IP नहीं पता लग पाती,
तो ये VPN उसके ऊपर एक लेयर बना देता है और जो साइटें होती हैं जो आपकी करंट लोकेशन निकालती हैं उन आपकी IP के बेसिस पे और उसके बेसिस पे जो अपनी साइटों पे वो टिकट्स के दामों को ऊपर नीचे करती है उनको वो IP नहीं मिल पाती है, तो आपको एक फेयर प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस VPN को इंस्टॉल करने के लिए ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट ये बोलता है कि जब भी हम किसी दूसरी कंट्री या दूसरी जगह फ्लाइट बुक करा रहे हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं तो हमें हमेशा कभी भी जनरली हम क्या करते हैं, हम राउंड ट्रिप बुक कर लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे मैंने न्यू दिल्ली से इंडोनेशिया की टिकट्स देख रहा हूँ, तो अगर मैं जकार्ता एयरपोर्ट लेता हूँ तो मुझे 32,000 की पड़ती है और अगर दिन पसर देता हूँ तो 44,000 की पड़ती है। तो अगर आपको दिन पसर जाना है तो आप जकार्ता उतर जाइए और वहाँ से अगर आप लोकल फ्लाइट्स देखते हैं तो उनका रफली जो है देखिए 3,000 के आसपास टिकट पड़ रहा है और आपको ये टिकट 32,000 33,000 प्लस 3,000 और जोड़ लीजिए तो अप्रॉक्स 40,000 के आसपास आपको टिकट पड़ेगी और जबकि आपकी डायरेक्ट टिकट जो थी वो 44,000 की पड़ रही थी, आपको सीधा सीधा 4,000 का फ़ायदा यहाँ हो जाता है। तो जब भी आप ऐसे राउंड ट्रिप बुक ना करा के आपको हमेशा अगर एक कंट्री में एक से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं आसपास में तो उनका टिकट्स अलग अलग देख लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और यहाँ पे नीचे का रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे चैनल को ताकि आपको ऐसी वीडियो और देखने को मिले और उसके बगल में जो घंटी वाला बेल आइकन है उसे अगर आप दबा लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा जब भी हमारी कोई नई वीडियो लॉन्च होती है। तो अभी चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सो गाइस 6th पॉइंट ये बोलता है कि जब भी आप एक से अधिक लोगों की टिकट बुक करा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से लेह लद्दाख और हमने 3 लोगों की टिकट बुक करा रहे हैं, तो ऐसा ना करके आपको क्या करना है, इसको एक कर दीजिए और उसके बाद प्राइस देखिए और उसके बाद जब 3 एक साथ कर देते हो उसके बाद प्राइस देखिए, तो उसके बाद प्राइस को कंपेयर कीजिए, अगर प्राइस में थोड़ा भी डिफरेंस है तो आप वहाँ भी थोड़ा बहुत बचा सकते हो। ये अक्सर होता है कि कभी कई बार किसी प्लेसेस में एक सिंगल टिकट का प्राइस अलग होता है और आप 3 टिकट एक साथ करा रहे हो तो उसका प्राइस अलग हो जाता है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको 7वां पॉइंट भी बता देता हूँ जो बोलता है कि कभी भी हमें लेवर्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें कंसीडर करना चाहिए। तो आप जैसे कि देखेंगे जब भी आप टिकट्स बुक कराते हो फ्लाइट टिकट्स तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है नॉन स्टॉप फ्लाइट और स्टॉप फ्लाइट का, तो जब आप लेओवर्स देखते हो स्टॉप फ्लाइट्स देखते हो तो उसमें कई बारी आपको 1 घंटे का रेस्ट होता है किसी एक बीच स्टेशन में और या फिर कई बारी 2 घंटे का, कई बारी 10 घंटे का, कई सारे गैप्स होते हैं अक्सर जो दूर की फ्लाइट्स होती है उनमें ज़्यादा ये लेओवर्स मिलते हैं, तो बट एक प्राइस डिफरेंस बहुत बड़ा उसमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप मेरे सामने देखेंगे यहीं पे तो ये एक हम दिल्ली से केरला की फ़्लाइट देख रहे हैं, वहाँ पे बीच में लेओवर्स है, हालांकि लेओवर बहुत ज़्यादा है एक दिन का, बट कई लेओवर्स 3-4 घंटे के होते हैं और उसमें भी 1,000 से 2,000 सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है कि आपका वो सेफ हो रहा है, तो आप ये भी एक कंसीडर कर सकते हो। सो गाइज अगर हम बात करते हैं 8th पॉइंट की, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाह रहा था, बिकॉज अभी हम रिसेंटली जब लास्ट ईयर रिसेंटली तो नहीं हम वियतनाम गए थे, तो वियतनाम में हमने नोटिस किया था कि जो वहाँ की लोकल फ्लाइट्स होती हैं वियत जेट करके उसका टिकट जो होता है काफ़ी चीप होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लाइट्स। तो कभी भी आप जब इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ की लोकल फ्लाइट्स को भी कंसिडर करें प्राइस कंपेरिजन में और अक्सर वो प्राइस जो होता है आपको मिनिमम देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों का कहना यह है कि अगर आप किसी एयरपोर्ट पे हो और वहाँ पे अगर आप गूगल फ्लाइट्स ट्राई करें तो वहाँ पे भी आपका जो प्राइस है वो मिनिमम आपको मिल जाता है, तो ये भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कुछ भी आपके क्वेरी या सजेशंस हैं वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।